दिल्ली में विधानसभा चुनावों में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए और इन नतीजों में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत की बात कही जा रही है, तो वहीं भाजपा इन एग्जिट पोल को गलत साबित कर रही है और भाजपा का कहना है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, यानी भाजपा ने सभी एग्जिट पोल को नकार दिया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए हों, कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुआ है, जिसकी एक मुख्य वजह है वोटिंग के दौरान एकत्रित किए जाने वाला डेटा, क्योंकि मतदान के दिन वोटरों से बातचीत के दौरान इसमें सभी की राय शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं। तो वहीं दूसरा कारण है कि मतदान लाखों करोड़ों लोग करते हैं, जबकि एग्जिट पोल के लिए महज कुछ हजार लोगों से ही बातचीत की जाती है और उन्हीं के आधार पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिसके कारण भी एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। एग्जिट पोल की असफलता के उदाहरणों में हम 2004 के लोकसभा चुनावों को ले सकते हैं, जो कि एग्जिट पोल की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि 2004 के लोकसभा चुनावों में सभी एग्जिट पोल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगा रहे थे, पर इसके परिणाम एकदम उलट निकले और बहुमत कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को मिला, जिसमें 222 सीटों के साथ मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में आई। 2013 के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब एग्जिट पोल में भाजपा के बहुमत की बात कहते हुए कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखा गया और आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। इंडिया टुडे ओआरजी एग्जिट पोल में तो आपको 10 में से भी कम सीटें मिलने का दावा किया गया, वहीं न्यूज 24 चाणक्य ने आपको सबसे अधिक 31 सीटें दी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और रिजल्ट में आपको 28 सीटें मिली, भाजपा को सबसे ज्यादा 32 सीटें मिली और कांग्रेस तो मात्र 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में दोबारा एग्जिट पोल की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई, क्योंकि इनमें आपको 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, तो वहीं इंडिया न्यूज एक्सिस के एग्जिट पोल ने सबसे अधिक 53 सीटें दी, इसमें भाजपा को दूसरे नंबर पर रखा गया, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे आंकड़े ही बदल गए और आप प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें लेकर सत्ता में आई और भाजपा मात्र 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, तो कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला। वहीं एग्जिट पोल के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, जिसके बाद मीडिया ने इसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। दूरदर्शन ने 1996 में अपना एग्जिट पोल शुरू किया था। चुनाव में वोटिंग होने के बाद मतदाता निकल रहे होते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकल कर आते हैं उन्हें ही एग्जिट पोल कहते हैं। लेकिन 1998 में चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया गया और उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की मांग उठी। बाद में कानून में संशोधन किया गया और संशोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते और तब से अब तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।